भले ही सपा कांग्रेस के गठबंधन को यूपी को ये साथ पसंद है का नारा देकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही हो, पर मुलायम सिंह यादव को गठबंधन का साथ कुछ ज्यादा रास नहीं आ रहा है और मुलायम सिंह ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुलायम ने साफ कर दिया है कि वो सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। गठबंधन पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं समझौते के खिलाफ हूं और इस गठबंधन के लिए कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा अकेले ही चुनाव जीतने में सक्षम थी और कांग्रेस से गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे जो नेता जिनके टिकट काटे गए हैं वो अब क्या करेंगे, 5 साल के लिए तो मौका गवा दिया। दरअसल माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव से लंबे समय से नाराज हैं। अखिलेश ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। दूसरा, वह चुनाव आयोग में साइकिल चुनाव चिन्ह की लड़ाई भी अपने बेटे से हार गए हैं। इससे पहले कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने गठबंधन के थीम सॉन्ग यूपी को ये साथ पसंद है को लॉन्च किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ये गठबंधन गंगा यमुना का मिलन है। इसके बाद दोनों नेताओं ने लखनऊ में रोड शो भी किया था। तो सपा कांग्रेस के गठबंधन से मुलायम सिंह काफी नाराज हैं। उनका मानना है कि सपा अकेले ही चुनाव लड़ सकती थी। वैसे आपको बता दें कि मुलायम के करीबी माने जाने वाले नारद राय ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है और इससे पहले अंबिका चौधरी भी बसपा में शामिल हो चुके हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।